today's lecture, number 9. In this lecture, we will discuss about Einstein postulate. I am Dr. Parvez Ahmed. So, I will go to lecture ki taraf jaate hain. So today's lecture is also known as Einstein special theory of relativity. और इसके हमारे पास दो स्पेशल पास्टुलेट्स हैं, ठीक है. एंड बिफोर टू प्रोसीड टुवर्ड दिस पास्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जब आइंस्टाइन इस पास्टुलेट को इस वक्त इसको ये प्रेजेंट कर रहा था, सो ही हैज अ बिलीव अबाउट द मैक्सवेल इक्वेशंस दैट इट मस्ट वैलिड इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, ठीक है. कि आइंस्टाइन जब इन पास्टुलेट को प्रेजेंट कर रहा था, तो उस वक्त उसके जहन में एक बिलीव था, और ये था कि मैक्सवेल की जो इक्वेशंस है वो तमाम इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर वो क्या है, वो वैलिड है, ठीक है. तो उसी बेस पे आइंस्टाइन ने अपने दो पास्टुलेट वो प्रेजेंट किए. पहला पास्टुलेट वाज रिलेटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी. जो पहला पास्टुलेट था वो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड था. एंड अकॉर्डिंग टू दिस पास्टुलेट द लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल इनर्शियल सिस्टम, ठीक है. इस पास्टुलेट के मुताबिक कि जितने भी फिजिक्स के लॉज है वो तमाम जो इनर्शियल सिस्टम है उसके अंदर वो सेम है. लेकिन इसके साथ ही इसने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दिए अबाउट द इनर्शियल सिस्टम, जहाँ पर उसने बात की इनर्शियल सिस्टम्स की. मतलब इनर्शियल सिस्टम हमारे पास कोई एक नहीं है, देर आर सो मैनी इनर्शियल सिस्टम. तो आइंस्टाइन ने यहाँ पर मजीद बात की है कि देर इज़ नो वे टू डिटेक्ट एब्सोल्यूट मोशंस. मतलब हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम एब्सोल्यूट मोशंस को डिटेक्ट कर सकें, और कोई प्रॉपर इनर्शियल सिस्टम भी हमारे पास वो एग्जिस्ट नहीं करती कि हम कहते कि ये इनर्शियल फ्रेम ये प्रॉपर है ओवर द अदर इनर्शियल फ्रेम, ठीक है. कि न तो हमारे पास एब्सोल्यूट मोशन को डिटेक्शन का कोई तरीका है, ठीक है, और ना हमारे पास कोई प्रॉपर इनर्शियल सिस्टम वो एग्जिस्ट करता है. सेकंड पास्टुलेट वाज अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट. कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है. मतलब उसने कहा कि ऑब्जर्वेबल इन ऑल इनर्शियल सिस्टम मेजर द सेम वैल्यू फॉर स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम. कि जब तक हमारे पास जो इनर्शियल सिस्टम है वो इनर्शियल सिस्टम अगर वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है, उसकी एक ही वैल्यू वो मेजर करेंगे. सो व्हाट इट मीन, इट मीन दैट कि हमारे पास चाहे ऑब्जर्वर किसी भी सिस्टम के अंदर हो, किसी भी इनर्शियल सिस्टम के अंदर हो, तो वो जो लाइट होगी वैक्यूम के अंदर तो उसकी क्या है, उसकी एक ही वैल्यू वो कैलकुलेट करेगी, एक ही वैल्यू को वो फाइंड आउट करेंगे, और वो जो क्या होगी दैट वैल्यू विल रिमेन द सेम फॉर ऑल द सिस्टम, फॉर ऑल द इनर्शियल सिस्टम. तो जितने भी इनर्शियल सिस्टम है उन सब के लिए जो स्पीड ऑफ लाइट होगी इसकी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी और कांस्टेंट होगी. सो दैट इज द सेकंड पास्टुलेट ऑफ आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. सो इट्स मीन दैट इन दिस थ्योरी वी हैव द रीवैल्यूएशंस ऑफ द टाइम. कि हमें टाइम को रीवैल्यूएट करना होगा. जिस तरह के न्यूटोनियन फिजिक्स में हमने एज्यूम किया था कि हमारे पास जो टाइम है टाइम टी दैट वाज द सेम एज टाइम टी प्राइम. कि प्रीवियसली जब हम न्यूटोनियन फिजिक्स को या क्लासिकल फिजिक्स को डील कर रहे थे, तो उसमें हमने एज्यूम किया था कि हमारे पास जो टाइम है टी है दैट इज़ द सेम आर इक्वल टू द टाइम प्राइम, ठीक है. सो दस विद द साइंक्रोनाइज्ड क्लॉक इवेंट्स एंड के एंड के डैश कैन बी कंसिडर्ड साइमल्टेनियस. तो इसी रूल के मुताबिक जो क्लासिकल फिजिक्स था या न्यूटोनियन फिजिक्स था, उसमें हमने कहा था कि टाइम जो है वो सेम है, दैट इज टी एंड टी प्राइम वो सेम है. तो उसी सिस्टम के अंदर अगर दो इवेंट्स है और वो इसी टाइम के अंदर वो अकर हो रहे हैं, ठीक है, विद साइंक्रोनाइज क्लॉक, सो जो इवेंट के में है, ठीक है, जो फ्रेम के में है, सो दैट वी विल कंसिडर साइमल्टेनियस विद द वन दैट्स अकरिंग एट के प्राइम, ठीक है. कि दो इवेंट्स है अगर आपके पास साइंक्रोनाइज क्लॉक्स है, सो इवेंट्स एंड के एंड के डैश कैन बी कंसिडर साइमल्टेनियस. तो दो जो हमारे पास रेफरेंस फ्रेम है, के से हम मुराद लेते हैं कि स्टैटिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और जो के डैश है हम कहते हैं कि दैट्स मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है. So that was the considerations in the Newtonian physics. The synchronized clock के साथ जो दो events होंगी K और K prime में,
अब वो क्या होगी, वो सिमल्टेनियस होगी। ठीक है, अब आइंस्टाइन ने क्या किया, आइंस्टाइन रियलाइज दैट ईच सिस्टम मस्ट हैव इट्स ओन ऑब्जर्वर विद देयर ओन क्लॉक्स एंड मीटर स्टिक। ठीक है, अब अनलाइक द न्यूटोनियन फिजिक्स, न्यूटोनियन फिजिक्स के बरक्स आइंस्टाइन ने जो चीज़ रियलाइज की वो ये है कि हर सिस्टम का अपना ऑब्जर्वर, अपने ऑब्जर्वर होते हैं, जिसके पास अपने ही घड़िया होती है और अपने मीटर स्टिक्स होते हैं। मतलब ये आइंस्टाइन ने रियलाइज किया। इसके साथ ही आइंस्टाइन ने ये भी बताया कि इवेंट कंसिडर्ड समल्टीनियस इन के मे नॉट बी इन के प्राइम। ठीक है, कि अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशंस हो जिसमें हम कहते हैं कि हर सिस्टम के अंदर अपने ऑब्जर्वर है, ठीक है, और उन ऑब्जर्वर के पास अपनी घड़िया और अपने मीटर स्टिक है, तो इसके साथ ही उसने ये भी बताया कि एक इवेंट जो हम समझते हैं कि सिस्टम के अंदर वो समल्टेनियस हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिस्टम के प्राइम के अंदर भी वही इवेंट वो समल्टेनियस हो। मतलब उसने ये बताने की कोशिश की थी कि दो इवेंट्स अगर डिफरेंट फ्रेम में मतलब हो रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों इवेंट्स वो क्या हो, वो एक के अंदर अगर समल्टीनियस है तो दूसरे के अंदर भी वो समल्टीनियस हो। मतलब उसने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सो हेयर वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ समल्टेनिटी। ठीक है, कि समल्टेनिटी का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हम इसको डील करते हैं कि व्हाट इज मीन और व्हाट एक्चुअली हैपन द प्रॉब्लम ऑफ समल्टेनिटी। ठीक है, कि ये प्रॉब्लम ऑफ समल्टेनिटी ये है क्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर में कि वी हैव पर्सन, एक बंदा है, नाम इज फ्रैंक। ठीक है, और वो क्या है, एट रेस्ट एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इवेंट ए एंड बी। एक बंदा है जिसका नाम फ्रैंक है और वो इवेंट ए, दो इवेंट हमारे पास अक्कर हो रहे हैं, एक को हम कहते हैं इवेंट ए, दूसरा हम इवेंट बी, और ये जो बंदा है वो दोनों इवेंट से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब एक ही डिस्टेंस पे है, मतलब एक जैसे डिस्टेंस पे, मतलब एक उसके दाई साइड पे है, दूसरा उसके बाएं साइड पे है। ठीक है, इफ वी कंसीडर हिम टू बी एट द ओरिजिन, ठीक है, एंड वी टेक हिम अलोंग द एक्स एक्सिस, तो उसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम बी वो पॉजिटिव 1 मीटर है, और लेफ्ट पे मतलब है तो दैट इज -1 मीटर है। ठीक है, सो फ्रैंक सीज बोथ द फ्लैशेस गो अप साइमल्टेनियसली। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि इवेंट अकर होगा। ठीक है, एक फ्लैश हमारे पास अकर होगा। सो जो फ्रैंक है उनको जो दोनों इवेंट्स है वो एट द सेम टाइम उसको वो नज़र आएंगे। ठीक है, लेट मी रिपीट इट अगेन, मतलब दोनों जो पॉइंट है वो एक जैसे फासले पर है, उसके दाएं और बाएं पर। सो जब वो मतलब होगा, सो वो दोनों के दोनों वो क्या होगा, दैट विल बी साइमल्टेनियस, मतलब वो दोनों के दोनों इवेंट्स को जो है वो साइमल्टेनियसली वो ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास एक सिचुएशन है, एक और प्रॉब्लम है, दैट इज वी हैव लेडी एंड हर नेम इज मैरी। ठीक है, अब मैरी मतलब है शी इज इनिशियली स्टैंडिंग एट द ओरिजिन्स एंड शी हैज बोथ द इवेंट्स, दैट इज वन इवेंट एट द राइट एंड वन इवेंट एट द लेफ्ट। ठीक है, इवेंट्स को हमने उसी तरह डिस्क्राइब किया जिस तरह प्रीवियस केस में है। ठीक है, दोनों इवेंट का जो डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर ईच। ठीक है, एंड शी इज मूविंग टू द राइट विद स्पीड वी। अब पहले केस में हमने कहा था कि वो रेस्ट पे बंदा जो है वो रेस्ट पे खड़ा है, ओरिजिन पे रेस्ट पे है, लेकिन इसी केस में कहते हैं कि शी इज़ मूविंग विद स्पीड वी। ठीक है, वो एक स्पीड वी के साथ राइट की तरफ वो मूव कर रहा है। ठीक है, सो व्हाट एक्चुअली विल हैपन, शी विल ऑब्जर्व इवन ए एंड इवन बी एंड डिफरेंट ऑर्डर। अब जिस तरह प्रीवियस केस में कहा था कि जो बंदा है वो स्टैटिक पोजिशन में है तो वो इवेंट्स को साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करेगा, लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि जो मैरी है शी इज मूविंग टुवर्ड्स पॉइंट बी विद स्पीड वी, तो वो क्या करेगी कि मैरी विल सीज इवन बी देन इवन ए, कि अगर मतलब वो स्पीड के साथ वो जा रही है इवन बी की तरफ, सो अब ये है कि शी विल फर्स्ट ऑब्जर्व इवन बी एंड देन शी विल ऑब्जर्व इवन ए। Why is that? Because she is moving toward that. कि वो इसी इवेंट की तरफ वो जा रही है। ठीक है,
So that's why she will observe the event B first, and then she will see the event A. So we thus observe that two events that are simultaneous and one reference frame, that is K, are not necessarily simultaneous in another reference frame, K prime, which is moving with respect to the first frame. Okay? So इसी example से हमने ये नतीजा अहज किया कि अगर हमारे पास दो system है K and K prime, तो अगर एक जो event है वो एक system के अंदर simultaneous है, ठीक है, so वो दूसरे system में वो simultaneous नहीं होगा. मतलब अगर पीछे वो दूसरा सिस्टम जो है वो पहले सिस्टम के मुकाबले में वो क्या कर रहा है, एक सर्टन वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा हो. तो दिस सजेस्ट दैट ईच कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज़ इट्स ओन ऑब्जर्वर विद अ क्लॉक दैट आर साइंक्रोनाइज्ड. ठीक है, सो इससे हमें मतलब ये सजेशन मिलती है कि हर सिस्टम का जो ऑब्जर्वर है, जो अपना ऑब्जर्वर है, और उसके पास अपने क्लॉक्स होते हैं एंड दैट आर साइंक्रोनाइज, और वो क्लॉक्स जो है वो साइंक्रोनाइज होते हैं. अब साइंक्रोनाइजेशन ऑफ क्लॉक से क्या मुराद है, ठीक है, मतलब हम क्लॉक्स को कैसे साइंक्रोनाइज करेंगे. सो इसके लिए हमारे पास थ्री स्टेप्स हैं. अब फर्स्ट स्टेप क्या है कि प्लेस ऑब्जर्वर विद अ क्लॉक थ्रू आउट अ गिवन सिस्टम, कि आप एक गिवन सिस्टम में क्या करें, एक ऑब्जर्वर को जो जितने भी ऑब्जर्वर है उनको घड़ियां दे दें. ठीक है, स्टेप टू में and that system bring all the clocks together at one location, ke tamam jo ghadiya hai unko ek locations pe leke aaye. theek hai, and compare the clock reading, aur jitne bhi matlab ghadiya hai unki readings ko compare kare. So if all the clock agree, then the clock are said to be synchronized, ki agar jitne bhi clocks hai agar inki readings wo ek dusre ke sath agree kar rahe hain, तो फिर इसका मतलब होगा कि सारे जो मतलब है जो घड़िया है दे विल बी सेड टू बी साइंक्रोनाइज. तो हम कहेंगे कि वो साइंक्रोनाइज है, या वो एक जैसे टाइम वो दे रहे हैं. एक और हमारे पास मेथड है टू साइंक्रोनाइज. साइंक्रोनाइजेशन के लिए हमारे पास एक और भी मेथड है, ठीक है, और वो ये है कि यू शुड हैव अ वॉच. ठीक है, कि आपके पास एक घड़ी हो and that is lying at the origins. ठीक है, वो origin पे पड़ो, जिस तरह के इस example के अंदर है, and it should have time t is equal to zero, and advances each clock by time d over c, with d being the distance of the clock from the origins. ठीक है, ये हमारे पास clock है, और हम कहते हैं कि इससे पासिले d पर left hand side पे एक घड़ी है, और इसी तरह मतलब और इसी तरह हम कहते हैं इसी डिस्टेंस पे राइट हैंड साइड पे वो एक घड़ी मतलब पड़ी हुई है. ठीक है, सो अलाउ ईच ऑफ दीज क्लॉक टू बिगिन टाइमिंग. ठीक है, अब आप क्या करें कि आपने अगर सिंक्रोनाइज करना है इन दोनों घड़ियों के साथ, मतलब इसी घड़ी के साथ, तो व्हाट एक्चुअली यू नीड टू डू कि ईच ऑफ दीज क्लॉक, अलाउ ईच ऑफ दीज क्लॉक टू बिगिन टाइमिंग व्हेन लाइट सिग्नल अराइव्स फ्रॉम द ओरिजिन्स. ठीक है, सो आप यहाँ से क्या करें, यहाँ से लाइट सिग्नल का इंतज़ार करें. सो जो ही यहाँ से लाइट सिग्नल्स जारी होती है, तो उसके देखते ही आप ये जो मतलब क्लॉक्स है इन क्लॉक्स को टाइम पे लगा लें. ठीक है, या इसी को टाइम दे दें. सो मतलब इसी तरीके से ये दोनों जो क्लॉक्स होंगे दैट विल बी कंसिडर एज साइंक्रोनाइज. ये मतलब साइंक्रोनाइज कंसिडर होगी. तो ये हमारे पास एक और तरीका है. सो द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस, व्हाट इज़ द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस, के लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है, और हमें इसकी क्यों ज़रूरत पेश आती है, या हम इसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर किस पर्पज़ के लिए और क्यों यूज़ करते हैं. सो द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ बेसिकली अ स्पेशल सेट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस. ठीक है, ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का स्पेशल एक सेट है. ठीक है, that preserve the constancy of the speed of light between the inertial observer. ठीक है, कि ये जो स्पीड की कॉन्स्टेंसी है, ठीक है, उसको मतलब इनर्शियल ऑब्जर्वर के बीच उसको क्या करती है, उसको ऑब्जर्व प्रिजर्व करती है. ठीक है, और अकाउंट फॉर द प्रॉब्लम ऑफ समल्टीनिटी बिटवीन दीज ऑब्जर्वर. ठीक है, और जो सिमल्टेनिटी का जो प्रॉब्लम है इन ऑब्जर्वर के बीच, उसको ये डील करती है, उसको ये अकाउंट करती है. सो दीज आर बी नोन एज द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और इसी को हम
लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के नाम से वो जानते हैं। मतलब इनका दो काम है, एक काम ये है कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट की कांस्टेंसी है, ठीक है, बिटवीन इनर्शियल ऑब्जर्वर्स, उसको ये प्रिजर्व करती है, और दूसरा ये जो सिमल्टेनिटी प्रॉब्लम है बिटवीन द ऑब्जर्वर, इसको डील्स करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के दो काम है। सो लॉरेंस जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये जो तमाम इक्वेशंस हैं ये सारे के सारे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के अंदर ये इंक्लूड करते हैं। सो द फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर। द सेकेंड इक्वेशन इज वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई, थर्ड जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड, and the fourth is t prime is equal to t minus vx over c square divide the whole divided by under root 1 minus v square over c square. So ye hamare paas jo basic Lorentz transformation equation hai wo yahi hai, theek hai. So a more symmetric form, agar more symmetric form mein hum inko likhe, so that will be beta is equal to v over c, ठीक है, एक्स डैश या एक्स प्राइम इज इक्वल टू गेमा एक्स माइनस बीटा और सी टी, बीटा सी टी। यहाँ पर हमने इसको डिस्क्राइब किया कि व्हाट इज बीटा, बीटा इज इक्वल टू वी ओवर सी, एंड व्हाट इज गेमा, गेमा इज इक्वल टू वन ओवर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। सिमिलरली वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इज इक्वल टू जी, एंड टी प्राइम इज इक्वल टू गेमा एंड टू टी माइनस बीटा एक्स ओवर सी। तो ये हमारे पास इसकी जो मोर सिमेट्रिक फॉर्म है उसी के अंदर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ गेमा, सो व्हाट इज गेमा, इफ वी प्लॉट द रियलिस्टिक फैक्टर गेमा वर्सेस वी ओवर सी, सो यू विल फाइंड दैट, फॉर दैट यू हैव टू रिकॉल फर्स्ट ऑफ ऑल के बीटा जो है ये हमारे पास बराबर है वी ओवर सी का, ठीक है, कि मतलब जो बॉडी की स्पीड है विद दैट कंपेयर टू द स्पीड अप्लाइड, अगर हम दोनों का रेशो लेते हैं एंड यू विल फाइंड दैट कि स्मॉलर देन वन फॉर ऑल द ऑब्जर्वर, कि इसका जो रेशो होगा वो क्या होगा, स्मॉलर देन वन होगा और तमाम ऑब्जर्वर के लिए होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास फिर दो कंडीशंस हैं। कंडीशन वन इज गेमा शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू वन, ठीक है, ओनली वेन वी इज इक्वल टू जीरो, कि जब हमारे पास अभी बराबर हो, इसी कंडीशन में हम कहते हैं कि गेमा हमारे पास क्या है, या इक्वल है या ग्रेटर देन वन है, ठीक है। सो ग्राफ ऑफ बीटा नोट दैट वी इज नॉट इक्वल टू सी, यहाँ पर ये हमारे पास बीटा के लिए ग्राफ है इसकी बिहेवियर के लिए, सो दैट हाउ वी हैव अप्लॉट दैट, ठीक है। सो हाउ वी डिराइव दिस रिलेशंस, ठीक है, हम इस इक्वेशन को डिराइव कैसे करेंगे। सो जस्ट लाइक यू ऑब्जर्व के वी यूज द फैक्ट सिस्टम के एंड द मूविंग सिस्टम के डैश, जिस तरह के आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास दो सिस्टम है, एक है मतलब फिक्स सिस्टम है और दूसरा मूवेबल सिस्टम है। फिक्स सिस्टम को हम डिनोट करते हैं के से, और जो मूवेबल सिस्टम है दैट वी डिनोटेड बाय के प्राइम, ठीक है। सो हम कहते हैं कि टाइम टी इज इक्वल टू जीरो द ऑरिजिन एंड द एक्सिस ऑफ बोथ द सिस्टम आर कोइंसिडेंट, ठीक है, विद द सिस्टम के प्राइम मूविंग टू द राइट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, ठीक है। इनिशियली हम कहते हैं कि दोनों सिस्टम इधर ऑरिजिन पे है, और मतलब जो ही टाइम स्टार्ट होता है तो हम इन सिस्टम को रिलीज करते हैं, और के प्राइम दैट स्टार्ट मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस टुवर्ड द राइट, ठीक है। सो अ फ्लैश बल्ब गोज ऑफ एट द ऑरिजिन्स व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, कि एक फ्लैश बल्ब हमारे पास होता है, वो जब लाइट उसकी जब रोशनी वो दे देता है टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, तो सिस्टम को हम स्टार्ट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट टू द स्पीड ऑफ लाइट विल बी सी एंड बोथ द सिस्टम एंड द वेव फ्रंट ऑब्जर्व एंड बोथ द सिस्टम मस्ट बी स्फेरिकल, ठीक है। जिस तरह के सेकेंड पोस्टुलेट में हमने इस बात को मतलब नोटिस किया कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होगा, वो दोनों के दोनों सिस्टम में सेम होगा, और इसी तनाजुर में हमारे पास जो वेव फ्रंट होगी वो दोनों के दोनों सिस्टम में वो स्पेरिकली ऑब्जर्व होगी, वो मतलब उसका मतलब जो शेप होगा दैट विल बी स्पेरिकल एंड बोथ द सिस्टम, ठीक है। सो स्पेरिकल वेव फ्रंट इन सिस्टम के
ठीक है, विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर. सिमिलरली स्फेरिकल वेव फ्रंट इन के प्राइम दैट विल बी इक्वल टू एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जी प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर एंड टी प्राइम स्क्वायर. सो यहाँ पर हमें एक बात को याद रखना होगा कि दीज आर नॉट प्रिजर्व इन क्लासिकल ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, कि ये जो हमारे पास यहाँ पर हम कहते हैं कि दे विल बी प्रिजर्व, यहाँ पर ये वैल्यू प्रिजर्व करेगी, लेकिन बी रिमेंबर के दीज आर नॉट प्रिजर्व इन क्लासिकल ट्रांसफॉर्मेशन विद एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई, जी प्राइम इज इक्वल टू जी एंड टी इज इक्वल टू टी प्राइम. के ये क्लासिकल मतलब जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें ये प्रिजर्व नहीं होगा. ठीक है, अब यहाँ पर इनकी जो डेरिवेशन है उनके लिए कुछ कंसिड्रेशन हम करते हैं. ठीक है, कि उसके लिए हम एज्यूम करते हैं कि लेट एक्स प्राइम इज इक्वल टू गेमा एंड टू एक्स माइनस वी टी, सो दैट एक्स इज इक्वल टू गेमा प्राइम एंड टू एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम. ठीक है, अब जो आइंस्टाइन की पासुलेट है, बाय द आइंस्टाइन फर्स्ट पासुलेट, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फर्स्ट पासुलेट वी हैव गेमा इज इक्वल टू गेमा प्राइम. ठीक है, सो द वेव फ्रंट अलॉन्ग द एक्स एंड एक्स प्राइम एग्जिस्ट मस्ट सेटिस्फाई, जो हमारे पास इक्वेशंस है डिस्टेंस के लिए या डिस्प्लेसमेंट के लिए. सो जो वेव फ्रंट होगा, चाहे वो अलॉन्ग द एक्स एग्जिस मूव कर रहा हो या एक्स प्राइम एग्जिस के मतलब अलॉन्ग मूव कर रहा हो, सो वो जो दोनों इक्वेशन है उनको सेटिस्फाई करेगा. दैट इज एक्स इज इक्वल टू सी टी एंड एक्स प्राइम इज इक्वल टू सी टी प्राइम. ठीक है, दस सी टी प्राइम इज इक्वल टू गैमा एन टू सी टी माइनस वी टी एंड सी टी इज इक्वल टू गैमा एन टू सी टी प्राइम प्लस वी टी प्राइम. सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्विंग द फर्स्ट वन अबाव फॉर टी. ठीक है, कि जो फर्स्ट वन है उसको हम टी के लिए टी प्राइम के लिए इसको सॉल्व करेंगे एंड सब्स्टिट्यूटिंग एट टू एंड टू द सेकेंड वन. कि फर्स्ट वाले को हम टी प्राइम के लिए वो क्या करेंगे, वो सॉल्व करेंगे और फिर इसकी जो वैल्यू है वो सेकंड में पुट करेंगे. ठीक है, सो व्हाट एक्चुअली वी विल हैव जब हम इस तरह करेंगे, सो इट विल गिव द फॉलोइंग रिजल्ट्स. तो यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्ट इससे आएगी, दैट इज टी प्राइम विल बी इक्वल टू गैमा स्क्वायर टी प्राइम एन टू वन माइनस वी वुड सी एन टू वन प्लस वी वुड सी. ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें, मतलब पर गेटिंग द वैल्यू ऑफ गैमा और गैमा स्क्वायर, सो वी विल गेट दिस रिलेशन, दैट इज गैमा स्क्वायर इज इक्वल टू वन ओवर वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा मतलब याद दिलाना पड़ेगा कि एक्स प्राइम इज इक्वल टू गैमा इन टू एक्स माइनस वी टी, सो सब्स्टिट्यूट एन टू एक्स इज इक्वल टू गैमा एक्स प्लस वी टी, इसमें सब्स्टिट्यूट करें एंड सॉल्व फॉर द टी प्राइम वी ऑब्टेन. ये वाली जो वैल्यू है इसको आप इधर पुट करें, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें और फिर इसको जो टी प्राइम है उसी टी प्राइम के लिए इसको सॉल्व करें. ठीक है, सो वी विल गेट दिस रिलेशन. जब आप इसको टी प्राइम के लिए सॉल्व करोगे, सो यू विल गेट टी प्राइम इज इक्वल टू एक्स ओवर गेमा वी एन टू वन माइनस गेमा स्क्वेयर प्लस गेमा टी, ये रिलेशन आएगा. ठीक है, अब इसी इक्वेशंस को मतलब हम जो गेमा फैक्टर या जो बीटा है इन टर्म ऑफ बीटा दैट इज इक्वल टू वी ओवर सी, इसको हम अगर इन टर्म ऑफ बीटा में लेके, सो वी विल गेट दिस रिलेशन, दैट इज टी प्राइम will be equal to t minus vx over c square divided by under root 1 minus beta square. ठीक है, so the complete Lorentz transformations मतलब जो complete Lorentz transformations है वो हमारे पास कुछ इस तरह वो बन जाएंगे कि we will have what we will have x prime that will be equal to x minus vt divided by 1 minus under root 1 minus beta square and x will be equal to x prime plus vt prime divided by under root 1 minus beta square. Similarly, we will have y prime is equal to y, okay? Y is equal to y prime, okay? Z prime will be equal to z. In comparison to that, we will have z is equal to z prime. So, t prime will be equal to t minus vx over c square whole divided by under root 1 minus beta square, whereas t will be equal to
t prime plus vx prime divided by c square whole divided by under root 1 minus beta square. ठीक है, अब यहाँ पर इसके मतलब हमारे पास फॉलोइंग रिमार्क्स है. फ्रॉम ऑल दीज इक्वेशंस लॉरेंट कंप्लीट लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस वी हैव द फॉलोइंग रिमार्क्स. और वो रिमार्क्स क्या है कि एफ वी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन सी. ठीक है, दैट इज बीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो एंड गैमा इज इक्वल टू वन. ठीक है, अगर हमारे पास ये कंडीशंस हो, हम कहते हैं कि जो वी है ये क्या है, ये सी से बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो, तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि जो बीटा की वैल्यू है दैट विल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो और जो गैमा है दैट विल बी इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वन. सो वी सी दीज इक्वेशन रिड्यूसेस टू फेमिलियर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये जो हमारे पास ये जो इक्वेशंस है अगर वही कंडीशन हम पुट करें तो ये जो इक्वेशंस है दैट विल रिड्यूस टू द फेमस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. मतलब यहाँ पर क्या है, कंडीशन ये है कि बीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो एंड गैमा इज इक्वल टू वन. अगर ये हम इधर पुट करें इन इक्वेशंस के अंदर बीटा को जीरो के पुट करें सो ये वाली जो इक्वेशंस है दैट विल बी इक्वल टू द फेमस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. तो ये इक्वेशन बिल्कुल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशन है मतलब उसमें वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, बिल्कुल सिमिलर या उसी तरह हो जाएंगे. नंबर टू, स्पेस एंड टाइम आर नाउ नॉट सेपरेटेड. कि यहाँ पर हम कहते हैं कि स्पेस और टाइम जो है वो क्या है, आर नाउ नॉट सेपरेटेड, अब वो एक दूसरे से सेपरेटेड नहीं है. नंबर थ्री, फॉर नॉन इमेजिनरी ट्रांसफॉर्मेशन द फ्रेम वेलोसिटी कैन नॉट एक्सीड सी. ठीक है, कि नॉन इमेजिनरी जो ट्रांसफॉर्मेशन है तो फ्रेम वेलोसिटी जो है, जो फ्रेम की वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट को एक्सीड नहीं कर सकती. So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you next lecture very soon. Till then, bye bye.